घर आके धमकी देने लग रहे हैं यहाँ, मारने की धमकी देने लग रहे हैं। हाँ, गांव में गया वोट मांगने के लिए तो बोलते हैं कि मेरे गांव मेरी गली में ना आओ वोट मांगने के लिए, मेरा भी अधिकार होगा कुछ भी, गांव के ऊपर भी कुछ मेरे बारे भी सोचे। ऐसा तो नहीं है भी हम शराब पिलाएं से भी वोट मिल जाएगी, ऐसा। सारे भाइयों ने राम राम, मैं प्रदीप कुमार, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। दोस्तों, आज अपना खेल है भाई अवतार, जो गांव भूसलात है, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, इनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो सबसे पहला भाई तो राम राम करेंगे। राम राम भाई। राम राम जी। मेरे दर्शकों का राम राम करो। राम राम जी। अवतार सिंह, सबसे पहला जो सवाल है, आपके मन में किस तरह आया कि आपने चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे मन में ये चुनाव लड़ने का उद्देश्य एक ही है कि मैं गांव का कुछ अच्छा करूं जी, और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव की जो भी जनसंख्या है वो मेरा साथ दे, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे यही बेनती करता हूं, तो उनका सलूशन भी कर सकता हूं मैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि उनकी कॉलोनी आए, और जैसा कि अब किसी के पास जगह भी नहीं है रहने के लिए, तो मैं तो अपने से लेकर चलता हूँ भी किसी के पास जगह भी नहीं होती रहने के लिए, ठीक है, वो भी हम दिलाएंगे, ठीक है, सरकार से बोल के, ठीक है। और हमें हमसे यही उम्मीद, हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि गांव में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निपटारा करना ज़रूरी है? देखो जी, मैं गांव में गया था, गांव में कई जगह तो ऐसा है कि गलियों में कई जगह तो पानी खड़ा रहता है, कई गली में कहीं पानी खड़ा है तो उसको ठीक करवाएंगे, और कई जगह तो पैप की कह रहे हैं, पैप की भी शिकायत आई थी एक जगह से, वो बोल रहे हैं कि पैप नहीं लगा था और पाइप लगवाओ यहाँ से। तो मतलब कि जैसे कि पहले सरपंच था, उसने भी बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पर, ठीक है, उसने गांव में यहाँ गलियों में पक्की करवाई सारी, ब्लॉक लगवाए, और जैसे कि ये शेड बनवाए, वाटर सप्लाई रखवाए हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही अच्छा काम करें, तो यही हाथ जोड़ के बेनती है सबसे। पहला सरपंच कौन था अपना? अपना था पहले गोपी सरपंच। गोपी? हाँ जी। गुरप्रीत सिंह थे जी। उसने बढ़िया काम करवाए? बहुत बढ़िया काम किया जी उन्होंने। सारा गांव संतुष्ट है? हाँ, सब गांव संतुष्ट है उनसे। वैसे मूसला गांव सारे लेवल वाले गांव में मशहूर हो रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया काम करवाए। जी जी। तो आपने प्रेरणा कड़े से मिली? मुझे प्रेरणा ये जो हमारे गांव के जो बड़े थे, जो पहले बोलते थे कि ये काम रह गया ये कराओ, और जो सरपंच है, सरपंच ने इतना बढ़िया काम किया, प्रेरणा यही मिली कि मतलब कि हम किसी का बुरा ना चाहें, अच्छा काम करें। तो मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बुरा बोलते हैं, ये कई गांव में, मैं यहाँ गांव में गया वोट मांगने के लिए तो बोलते हैं कि मेरी गली में ना आओ वोट मांगने के लिए, मेरे घर पर ना आओ वोट मांगने के लिए। चलो, वो उनका अधिकार है, ठीक है, वो अधिकार उनका है, वो अपनी मर्जी है उनकी, जहाँ मर्जी पाओ वोट, वो उनका अधिकार है। बाकी मैं तो हाथ जोड़ के बेनती उनको यही करता हूँ भी आप, मेरा भी अधिकार होगा कुछ भी, गांव के ऊपर भी कुछ मेरे बारे भी सोचे। मैं तो हाथ जोड़ के यही बेनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। नहीं, जो उनका अधिकार है वो कहना बुरा ना हो वोट मांगना, तो आपका भी अधिकार है वोट मांगना जी, इलेक्शन लड़ना भी आपका अधिकार है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए जी। तो आपके अधिकारों से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। जी जी, ठीक है जी जी। और वो ऐसे कौन से आदमी थे जो आपको कह रहे थे कि यहाँ नहीं आना है? ये बोला है जी, मरजाती से बिलोंग करते हैं, कि ये बोलते हैं कि हमारी गली में ना आओ, आप गली में आके वोट मांग रहे हो, हमारे गली में आके ये बताओ भी, कह रहे कौन आपको वोट देगा। चलो, वो तो उनकी इच्छा है, वोट नहीं देगा, चलो वो तो इनकी इच्छा है, मैं तो हाथ जोड़ के बेनती कर सकता हूँ भी मुझे वोट पाओ। वोट क्यों नहीं देगा, कारण बताया? कारण नहीं बताया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हम तो जिसके साथ हैं उसके साथ खड़े हैं,
नहीं जी, थम जिसके साथ खड़े हो तो ठीक है, मतलब उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है? नहीं, उनका तो यही है ना मानना कि उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो मतलब कि हम तो मतलब कि हमारे विरोध में कोई खड़े हो रहा ना वो। आपने अपने आप पर कितना विश्वास है जो आप सरपंच बने? आप इनका माना है जो काम होने वाले हैं करवा सको? जी 100% करवा सकता हूँ। किसी प्रकार का दबाव? अभी तो बस ये जो दूसरी पार्टी के वही दबाव डाल रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, घर आके धमकी देने लग रहे हैं, मारने की धमकी देने लग रहे हैं, तो दूसरी पार्टी बोल रही है। और मैं गांव से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ ना कि मेरे लिए, कि गांव के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छोटी जो छोटी जातें हैं उनका कुछ होए, बड़ी जातें लड़वा रही है। तो यही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता भी जात बिरादरी में कुछ लड़ाई कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा कुछ बने अपने गांव का, अच्छा विकास हो अपने गांव का, ये चाहता हूँ मैं। अच्छा अवतार सिंह जी बता, ना कोई बैनर बनवा रखे, ना पर्चे छपवा रखे, ना किसी तरह शराब पिलाई जी, लग रहा है भी वोट मिल जाएगी? देखो जी, मैं गांव के ऊपर भरोसा है, उम्मीद है, वो करेगी जरूर। और मैंने शराब ना बैनर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शराब से ऐसा नहीं है कि शराब से वोट मिल जाएगी। मैं नहीं मानता कि शराब से वोट मिल जाएगी। वोट होएगी मन से, होएगी वोट दिल से, होएगी वोट जो करेगी वो करेगा गांव करेगा। ऐसा तो नहीं है भी हम शराब पिलाएं से भी वोट मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है जी। तो अंत में जनसेवा टीवी के माध्यम से अपने गांव तक वोटों की अपील करो जी। यही हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए। और मैं जो ये जनसेवा टीवी के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग देके मुझे जिताएं। चुनाव चिन्ह बता दो। चुनाव चिन्ह है मेरा साइकिल का निशान, बार बार हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ। तो यो थे अपने अवतार सिंह, जो मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।